रीवा के प्राइवेट हॉस्टल में छात्रा की मौत, छत पर कपड़े उठाते समय गिरा पिलर, अस्पताल में तोड़ा दम, कंप्यूटर का कोर्स कर रही थी छात्रा। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा के समान थाना अंतर्गत साधु श्री गार्डन के पास संचालित कौशल विकास केंद्र के निजी हॉस्टल में छात्रा की मौत हो गई। छात्रा दोपहर में छत पर सूखे कपड़े उठाने गई थी, तभी अचानक पिलर गिर गया। हादसे में कंप्यूटर का कोर्स कर रही छात्रा चपेट में आ गई। आवाज सुनकर अन्य छात्राएं छत पर पहुंची, लहूलुहान अवस्था में सहेली को देख केंद्र संचालक को सूचना दी। इसके बाद परिजनों को अवगत कराया। गंभीर हालत में छात्रा को संजय गांधी अस्पताल में दाखिल कराया गया। यहां देर शाम मौत हो गई। सोमवार दोपहर पीएम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया। कैपिटल इन्फोलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के संचालक हर्षवर्धन सिंह कौशल विकास केंद्र चलाते हैं। वे दूर दराज के छात्रों को निजी हॉस्टल में रखकर कंप्यूटर का कोर्स कराते हैं। रविवार दोपहर 3 बजे उसने हॉस्टल की छात्रा अंजलि कुशवाहा 19 साल, पुत्र राम जियावन कुशवाहा निवासी उमरा नादा थाना सिरमौर हादसे का शिकार हो गई थी। दुर्घटना के बाद छात्रा को अस्पताल में दाखिल कराया गया। रविवार शाम 6 बजे छात्रा ने दम तोड़ दिया। समान थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार गुप्ता घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने हॉस्टल की छात्राओं से बयान लिया है। संचालक की भूमिका को जांचा जा रहा है। परिजन भी गाँव से हॉस्टल पहुँच चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट द खबरदार न्यूज।